साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक और बहुत बड़ी समस्या को भी एड्रेस करती है। यहां तो बड़े बड़े अनुभवी और जानकार लोग मेरे सामने उपस्थित हैं। आपने जरूर महसूस किया होगा कि हमारे देश में लर्निंग ड्रिवन एजुकेशन की जगह, कोई बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत है, आज स्थिति यह है, मार्क्स और मार्कशीट ये एजुकेशन हावी है। लर्न तो बच्चे तब भी कर रहे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घूमने जाते हैं, लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, बेटी तुमने क्या सीखा, नहीं पूछते हैं। पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए। हर चीज वहीं जाकर के अटक जाती है। कुछ परिवार हैं जिनको आदत होगी, पूछते हैं अच्छा आज स्कूल में खाना क्या मिला था। इन्हीं चीजों के आसपास टेस्ट में नंबर कितने नंबर आए, एक टेस्ट एक मार्कशीट क्या बच्चों के सीखने की उनकी मानसिक विकास के पैरामीटर हो सकती है। आज सच्चाई ये है कि मार्कशीट मानसिक प्रेशर शीट बन गई है और परिवार की प्रेशर शीट बन गई है। परिवार के लिए प्रेशर शीट है, बच्चे के लिए प्रेशर शीट। पढ़ाई से मिल रहे इस तनाव को मेंटल स्ट्रेस से अपने बच्चों को निकालना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर इसका बेवजह का दबाव न पड़े, और कोशिश ये है कि केवल एक परीक्षा से छात्र छात्राओं का मूल्यांकन न किया जाए, बल्कि सेल्फ असेसमेंट, पीयर टू पीयर असेसमेंट, ये छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मार्कशीट की वजह उसकी जगह होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इस पर बल दिया गया, इसकी बात कही गई। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों के यूनिक पोटेंशियल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, टैलेंट, स्किल्स, एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी और पॉसिबिलिटी की डिटेल शीट होगी। मूल्यांकन प्रणाली के में संपूर्ण सुधार के लिए एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना भी की जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।